हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीताफल क्रीम की रेसिपी, जो हाजी अली फ्रूट सेंटर की बहुत ही पॉपुलर डिश है और आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सीताफल क्रीम बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने आधा किलो सीताफल लिए है, जिसे कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं। ये तीन मीडियम साइज़ के सीताफल है, आप चार भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अमूल की ये फ्रेश क्रीम का एक पैकेट लिया है, जो है 250 ml का। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पीसी हुई शुगर ली है, यानी पाउडर शुगर ली है। आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम सीताफल का पल्प निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उसके ऊपर मैंने इस तरह का एक स्ट्रेनर रखा है। अब हम कस्टर्ड एप्पल को इस तरह से बीच से तोड़ लेंगे और चम्मच की मदद से इसके अंदर का सारा जो पल्प है वो स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें चम्मच की मदद से पहले सारा जो पल्प है वो स्किन से अलग कर लेना है। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। अब चम्मच की मदद से इसे प्रेस करते हुए इनके सीड्स को भी हमें अलग कर लेना है। तो 2-3 मिनट इसे प्रेस करते हुए आप देखेंगे कि सीड्स भी हमारे अलग होना स्टार्ट हो गए हैं। जब सीड्स अच्छे से अलग हो जाएंगे तब आप इन्हें चम्मच से निकाल कर साइड में रख दें और ये जो पल्प है उसे आप इस बोल में ट्रांसफ़र कर दें। इसी तरह से आपको सारे कस्टर्ड एप्पल का पल्प और सीड अलग कर लेने हैं। सीताफल क्रीम बनाने के लिए आप हमेशा अच्छे से पके हुए सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल यूज़ करें। तो ये देखिए, मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है और इसके सीड्स भी मैंने अलग कर लिए हैं। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और इसमें मैंने पूरी जो अमूल क्रीम है 250 ml वो ऐड की है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे 3 छोटे चम्मच शक्कर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर ली है, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच चीनी ऐड की है। अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए विस्क करना है, फेंट लेना है। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे विस्क यूज़ किया है इसे फेंटने के लिए। इसे बस हमें 4 से 5 मिनट ही फेंटना है, ज़्यादा नहीं फेंटना है। और हमने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम नहीं ली है, हमने यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज़ की है। तो इसे बस 4 से 5 मिनट के लिए ही फेंटना है। इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा फोमी और फ्रॉथी होने तक ही हमें फेंटना है। अब हम इसमें सीताफल का पल्प जो हमने अभी निकाल कर रखा था वो ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसमें शक्कर ज़रूर चेक करें, अगर ज़रूरत हो तो ऐड करें। आप चाहे तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है ये। अब मैं इसे लेट से कवर करके फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो ये हमारी सीताफल क्रीम रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है और बहुत ही क्विक बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। सीताफल का सीज़न है और मार्केट में बहुत ही फ्रेश सीताफल आए हुए हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे बनाकर एंजॉय करें। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शानास किचन को सब्सक्राइब भी कर ले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर फेसबुक पे भी शेयर करें। और अगर आप रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।